I'm vengeance. Hey guys, तो कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज मैं बात करूंगा DC फैंडम ग्लोबल इवेंट के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि DC फैंडम में आपको अपकमिंग मूवीज के ट्रेलर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जस्टिस लीग, बैटमैन, ब्लैक एडम, शज़ाम के अपडेट, वंडर वुमन का ट्रेलर और भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और तो और DC के जो अपकमिंग गेम्स आ रहे हैं आपको उसके बारे में भी जानने को मिलेगा और देन कुछ नई मूवीज की अनाउंसमेंट भी पता चलेगी। तो गाइस अपडेट तो बहुत सारे आए। 22 तारीख को DC फैंडम जो हुआ था 10:30 बजे के बाद, उसी के साथ अपडेट इतने सारे आए कि मैं इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि अलग अलग वीडियो बनाऊं या लाइव सेशन करूं या फिर एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूं। तो मैंने उसका एक पोल करा था और आपने एक सिंपल वीडियो के लिए बोला कि आप पूरी वीडियो बना दो जिसमें कि सारे अपडेट हो। तो गाइस इस वीडियो में टोटल 50 अपडेट है और देन पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारे DC फैंडम इवेंट के अपडेट पता चल जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुसाइड स्क्वाड के अपडेट के बारे में। तो DC फैंडम इवेंट में सुसाइड स्क्वाड के अपडेट जो आए हैं वो है कैरेक्टर को लेकर। हर एक कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिली है, कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है सुसाइड स्क्वाड मूवी में। और तो और इसका कोई टीजर या ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ। ये हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा बैड न्यूज थी, पर हाँ एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज करा गया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था, जिसमें कि हमें काफी सारे शॉट देखने को मिले, कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस देखने को मिली। और तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि इसमें हमें कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई। पर हाँ मुझे एक कैरेक्टर बहुत पसंद आया उसमें, किंग शार्क का, पर उसका कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये CGI कैरेक्टर है और देन काफी खतरनाक भी है। और बिहाइंड द सीन वीडियो में किंग शार्क ने एक आदमी को खाया भी है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको वो टीजर देखना है बिहाइंड द सीन वीडियो वाला तो आप 100% जरूर देखें, आपको YouTube पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। उसी के साथ सुसाइड स्क्वाड का पूरा एक फुल लुक लॉन्च करा गया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था, और साथ ही साथ सुसाइड स्क्वाड का ऑफिशियली पोस्टर भी रिलीज करा गया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप इस फुल लुक में देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर फुली एक्शन में, और ये मुझे लगता है कि शायद एंडिंग का सीन हो सकता है। आपके हिसाब से क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बात रही पोस्टर की, तो पोस्टर कुछ ज्यादा ऑफिशियली तो नहीं लग रहा, पर हाँ कह सकते हो ये ऑफिशियली है क्योंकि ये थोड़ा कार्टून लुक टाइप का लग रहा है, पर ऑफिशियली भी रिलीज होना बाकी है। अब बात करते हैं DC की अपकमिंग मूवी ब्लैक एडम, जो कि हाई वोल्टेज में है और बहुत ही ज्यादा हाइप जा रही है इसकी, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले इसके कुछ कौन सा पार्ट लॉन्च करे गए जो कि मुझे गॉड ऑफ वॉर की याद दिलाते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो कि कुछ कौन सा पार्ट गॉड ऑफ वॉर की बिल्कुल याद दिला रहे हैं, पर ब्लैक एडम में कुछ कैरेक्टर इतने कमाल के कन्फर्म हुए हैं कि आप उन्हें जानोगे तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट लुक के बारे में बात करते हैं जो कि कह सकते हो धमाकेदार। अब मुझे लगता है कि ब्लैक एडम काफी ज्यादा एजेड होगा क्योंकि इसके छोटे से टीजर को देख के ये लगता है कि हाँ हमें ब्लैक एडम की ओल्ड स्टोरी दिखाई जाएगी और देन उसका सामना सुपरमैन से नहीं होगा। जी हाँ, अब तक की टीजर को देख के ये लग रहा है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने अभी तक ये टीजर नहीं देखा है तो जाके देखो। अब सबसे बड़ी बात कि ब्लैक एडम ये नहीं है, कह सकते हो कि वर्सेस होने वाला है जस्टिस लीग के साथ, जो कि गॉड्स वाली जस्टिस लीग है जिसमें कि हॉकमैन, डॉक्टर फेट और हमारे एडम स्मैशर, जो कि बहुत ही कमाल के कैरेक्टर हैं, और एक कैरेक्टर नया और इंक्लूडिंग करा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो इस मूवी में ब्लैक एडम का सामना इन चार लोगों से होने वाला है जो कि चारों ही बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, और हॉकमैन तो शायद वंडर वुमन में भी है। तो देखना है कि या शायद ये सेम कैरेक्टर हो सकते हैं, और ये जस्टिस लीग की एक नई टीम है जो कि हमें ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ब्लैक एडम के दो टीजर लॉन्च हुए दोनों ही देखना। अब बात करते हैं जस्टिस लीग के अपडेट के बारे में। तो जस्टिस लीग फाइनली 4 घंटे की है HBO Max पर, 1 घंटे का पर एपिसोड होगा। आपको ये HBO Max पर 1 घंटे की पर एपिसोड के हिसाब से देखनी पड़ेगी, और टोटल 4 घंटे की है। और तो जस्टिस लीग का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उससे पहले ये लीक हो गया था, और देन फैंस जो कि मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने भाई लिंक सेंड कर डाले कि भाई देखो लीक हो गया, आपने कहा था कि जस्टिस लीग का ट्रेलर रिलीज होगा पर उससे पहले ही लीक हो गया। अब उसकी कोई दिक्कत नहीं, लीक हुआ, पर जो लीक हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और देन सुपरमैन का ब्लैक सूट देखकर तो भाई मेरे होश ही उड़ गए। मुझे नहीं पता था कि इतनी कमाल की ये मूवी होगी, और अब इसकी जब रनिंग टाइमिंग 4 घंटे की है तो गाइस मजा आने वाला है। और तो और डार्क साइड का ये वाला लुक देख के जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, गाइस मजा ही आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में जो कि है वंडर वुमन। तो वंडर वुमन के DC फैंडम से पहले ही कुछ कौन सा पार्ट लॉन्च हुए, कुछ बैनर रिलीज हुए, कुछ पोस्टर रिलीज हुए जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लुक लग रहा है।
बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रहा है, चूंकि हमें कॉमिक बुक में देखने को मिलते हैं। और देन इसे 84 के हिसाब से डिजाइन करा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और डीसी फैंडम से पहले ही लीगो सेट भी रिलीज करा गया, जिसमें कि वंडर वुमन और चीता लड़ती नजर आ रही है। और देन आपने नोटिस करा होगा कि डीसी फैंडम में जो वंडर वुमन का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें भी यही हमें देखने को मिला। और ट्रेलर हिंदी में आ चुका है और ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी इंडियन थिएटर्स में। तो गाइस जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में। तो वंडर वुमन को 80 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी एनिवर्सरी के लिए 80 ईयर का ओल्ड लोगो लॉन्च करा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बात करते हैं डीसी के अपकमिंग गेम्स के अपडेट के बारे में। तो फाइनली गौतम, जो आपने गेम खेला होगा अर्खम, उसकी कंटिन्यू सीरीज को लेकर गौतम नाइट नाम का एक गेम बनाया गया, जिसमें कि हमें बैटमैन की पूरी फैमिली देखने को मिलेगी, जिसमें कि बैटवुमन, नाइटविंग, रेडहुड, बहुत ही सारे कमाल के कैरेक्टर होंगे इस गेम में। और देन इसमें हमारा बैटमैन भी होगा। तो इस गेम का नाम है गौतम नाइट्स, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और इसका एक गेम प्ले भी आया है, जो कि इतना ज़्यादा कह सकते हो स्मूथ है कि स्टोरी में और गेम प्ले में आप फर्क ही नहीं कर सकते हो कि ये हम स्टोरी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और इसका भी टीजर लॉन्च हो चुका है, गेम प्ले लॉन्च हो चुका है, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हो। अगला गेम है डीसी का अपकमिंग बुक की बहुत कमाल का है, वो है सुसाइड स्क्वाड किल जस्टिस लीग। तो ये एक फाइट वाला गेम है और स्टोरी मोड भी गेम है और इसके जो ग्राफिक है वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। और तो और ये गेम रिलीज़ होगा नेक्स्ट ईयर या फिर 2022 में, अभी मेरे को रिलीजिंग डेट का याद नहीं आ रहा है, पर ये गेम का ऑफिशियली टीजर भी लॉन्च हो चुका है। तो आप इसको भी देख सकते हो यूट्यूब पर अगर आपको देखना है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऑलराउंडर का 30 मिनट का मैंने वीडियो बनाकर डाला है अपने फेसबुक पेज पर, आप इजीली इसे देख सकते हो। तो बहुत ही कमाल का गेम है। और देन गौतम नाइट्स और सुसाइड स्क्वाड, ये दोनों ही गेम बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे और इनके टीजर अच्छे लगे। अब बात करते हैं सजैम 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सजैम को कोई भी अपडेट नहीं आया था, पर हाँ सजैम 2 का ऑफिशियली टाइटल रिवील कर दिया है, जो कि है सजैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स, जो कि बहुत ही कमाल का टाइटल है। और मुझे लगता है कि सजैम 2 में हमें ब्लैक एडम से सामना होने वाला है और एक नए विलेन से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम का और किसी से सामना होगा। उसी के साथ जस्टिस लीग में बैटमैन ने जो फ्लैश को सूट दिया था, उसका एक कौन सा पार्ट रिलीज करेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और फ्लैश मूवी का अपडेट ये आया है कि हमें माइकल कीटन एज अ बैटमैन में फर्स्ट कौन सा पार्ट में नजर आए हैं फ्लैश मूवी में। तो आप देख सकते हो टाइम ट्रेवलिंग और पीछे माइकल कीटन का बैटमैन खड़ा हुआ है, तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। और अब बात करते हैं एकदम खतरनाक धांसू अपडेट के बारे में, जो कि है बैटमैन से रिलेटेड। तो बैटमैन का टीजर का अपडेट था मेरे पास, पर ट्रेलर का कोई अपडेट नहीं था। और ये मूवी अराउंड 25% ही शूट हुई है और देन इसका फुली 2 मिनट का ट्रेलर लॉन्च करा गया, जो कि भाई मेरा दिल जीत लिया और बहुत ही कमाल का ट्रेलर था। और ये ट्रेलर आपने अभी तक नहीं देखा तो गाइस जाके देखो। अब गुड न्यूज ये है कि बैटमैन का ट्रेलर रिलीज हुआ और देन इसकी रिलीजिंग डेट भी पता चली और उसी के साथ ये मल्टीवर्स का बैटमैन है, यानी कि इन फ्यूचर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन आपको अपकमिंग मूवीज में देखने को मिलेगा। और तो और बैट और जो बेन अफ्लेक का बैटमैन है वो भी इन फ्यूचर आपको फ्लैश मूवी में देखने को मिलेगा, अभी कंफर्म हुआ है कि बेन अफ्लेक भी कंफर्म हो चुके हैं। और डीसी फैंडम से पहले बैटमैन के कुछ पोस्टर लॉन्च हुए थे, कौन सा पार्ट लॉन्च हुए थे, जो कि बहुत ही कमाल के लग रहे थे। और तो और साथ ही साथ बैटमैन को ऑफिशियली लोगो भी लॉन्च कर दिया गया था और बैट सिंबल भी लॉन्च कर दिया गया था, जो कि ये सब काफी ज्यादा कमाल की है। पर अगर ओवरऑल डीसी फैंडम इवेंट की बात करी जाए तो मेरा सबसे मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट था बैटमैन का टीजर देखना, ट्रेलर देखना, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तो गाइस ये थे वो डीसी फैंडम ग्लोबल इवेंट के सारे अपडेट, टोटल 50 अपडेट थे अगर आपने नोटिस करा होगा। और तो और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट होंगे या कुछ मिसिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। तो गाइस आज के बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब देख रहे हो सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हो पेज को लाइक करें, रील में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मंदिर वीडियो को नहीं देखो याद है उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय जा रहा हूं।